Good morning students, this is KD sir from Shivam Education. Today we are going to continue with exercise 3.3 of chapter 3, right? Pairs of linear equation in two variables. Okay, let's start. Now, today we are going to do substitution method. Yeah, substitution method is one of the easiest method. अगर आपको पर्टिकुलरली पूछा जाए कि सब्स्टिट्यूशन मेथड से करो, एलिमिनेशन मेथड से करो, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, देन यू हैव टू फॉलो दैट ओनली. बट आपको अगर ऐसा बोलें कि सॉल्यूशन फाइंड करो, राइट, सॉल्व द फॉलोइंग, यू कैन चूज एनी मेथड, राइट. तो आपको जो मेथड अच्छा लगता है, फाता है, वो आप कर सकते हो, राइट. तो लेट्स सी हाउ टू सॉल्व विथ सब्स्टिट्यूशन मेथड, राइट. देखिए, x प्लस वाई इज इक्वल टू 14, x माइनस वाई इज इक्वल टू 4. दिस इज इक्वेशन 1, दिस इज इक्वेशन 2. कोई भी एक इक्वेशन ले लो, राइट. जहां तक होता है माइनस वाला इक्वेशन पहले लो. ओके, याद रखना, आप माइनस वाला इक्वेशन मैंने लिया x माइनस वाई इज इक्वल टू 4, तो ये क्या हो जाएगा, x इज इक्वल टू 4 प्लस वाई. इसके लिए मैंने बोला था कि माइनस वाला इक्वेशन, ये 4 प्लस वाई को आप सब्स्टिट्यूट द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन 1, राइट. तो दैट इज x इज इक्वल टू, है ना, तो x इक्वल टू क्या आएगा, 4 प्लस वाई प्लस y इज इक्वल टू 14. ओके, तो यहां क्या हो जाएगा, 2y इज इक्वल टू 14 माइनस 4, 2y इज इक्वल टू 10, देयरफॉर y इज इक्वल टू क्या आएगा, 5. एक वैल्यू आ गया. पुटिंग दिस वैल्यू इन क्या डालेंगे, x इज इक्वल टू 4 प्लस वाई, दैट इज x इज इक्वल टू 4 प्लस 5, देयरफॉर x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 4 प्लस 5 मतलब 9, राइट. तो ये देखिए, दिस वे यू हैव टू सॉल्व, देयरफॉर द सॉल्यूशन इज 4, 9 एंड 5 इज द सॉल्यूशन, राइट. लेट्स गो टू द नेक्स्ट सम. इजी है ना, कोई प्रॉब्लम आपको, बस सब्स्टिट्यूट करना है और सॉल्व कर देना है, राइट. लेट्स गो टू द नेक्स्ट सम, नंबर 2. एस माइनस टी इज इक्वल टू 3, एस अपॉन 3 प्लस टी अपॉन 2 इज इक्वल टू 6, ऊपर वाला माइनस में, लेट्स सॉल्व इट, राइट. एस माइनस टी इज इक्वल टू 3, तो एस इज इक्वल टू क्या हो गया, 3 प्लस टी, राइट. सब्स्टिट्यूटिंग, ये है इक्वेशन 1, ये है इक्वेशन 2, राइट. तो ये क्या लिखेंगे, सब्स्टिट्यूटिंग द वैल्यू ऑफ एस इन इक्वेशन 2, चलो 3 प्लस टी अपॉन 3, टी अपॉन 2 इज इक्वल टू 6. आप तो एलसीएम लेके सॉल्व कर देते हैं, एलसीएम क्या है, 6 है, तो यहाँ पे ये 2 से मल्टीप्लाई होगा, ओके. यहाँ पे क्या होगा, 3 से मल्टीप्लाई होगा, राइट. और ये जो है 6 यहाँ आएगा, दैट इज 6, ये क्या हो जाएगा, 6 प्लस 2t प्लस 3t इज इक्वल टू 36, क्रॉस मल्टीप्लाई, अब 5t इज इक्वल टू 36 माइनस 6, 5t इज इक्वल टू कितना आएगा, 30, राइट. तो 5t इज इक्वल टू 30, तो t इज इक्वल टू क्या आएगा, 30 अपॉन 5, therefore t is equal to 6. Again, putting this value in, s is equal to 3 plus t. So s is equal to 3 plus 6, s is equal to 9. Right? Easy enough? I hope you understood. कोई इसे अभी सॉल्व करने की जरूरत नहीं, डायरेक्ट वैल्यू पुट करने के बाद भी आप कर सकते हो, इसको सॉल्व करके भी कर सकते हो, देयर इज नो रूल्स, ऑल राइट, परफेक्ट रूल्स नहीं है, आपको जैसा सॉल्व करना है कर सकते हैं, राइट. तो अपने रीत से करिए, समझ के करिए और आराम से करिए, राइट. लेट्स गो टू द नेक्स्ट सम. ओके स्टूडेंट्स, थर्ड नंबर, 3x माइनस वाई इज इक्वल टू 3, 9x माइनस 3y इज इक्वल टू 9. चलो पहला वाला ही ले लेते हैं, y इज इक्वल टू 3, इक्वेशन 1, इक्वेशन 2, तो क्या हो जाएगा, 3x प्लस 3 इज इक्वल टू y, देखो माइनस को उस बाजू भेज दिया मैंने, राइट. तो 3x प्लस 3 इज इक्वल टू y, तो इसका मतलब y का वैल्यू क्या हुआ, 3x प्लस 3, राइट. पुटिंग दिस और सब्स्टिट्यूटिंग दिस वैल्यू
substituting the value of y in equation 2, right? चलो 9x minus 3, y का value क्या है? 3x plus 3 is equal to 9. ये हो जाएगा 9x minus 9x minus, ये क्या हो जाएगा? ये minus है ना, sorry. 3x minus 3, 3x plus 3, बराबर है ना? Minus 3 हो जाएगा. तो minus 9 is equal to 9, okay? तो ये देखिए 9x 9x कट जाएगा और ये 9 is equal to 9 आएगा, बराबर. That means the equation 1 and 2 has infinite solution. The equation 1 and 2 has infinite solution. कब आएगा ये infinite solution? जब they are coincident, right? When they are coincident, तो infinite solution. और what is the formula? Last time किया था हम लोगों ने a1 upon a2 is equal to b1 upon b2 is equal to c1 upon c2. देख लेते हैं, चलो. b1 upon b2 is equal to c1 upon c2, right? 3 upon 9 minus 1 upon minus 3 is equal to minus 3 upon minus 9. ये भी minus 1 upon 3 minus minus 1 upon 3 सब equal है, therefore it is infinite solution. ये बताने की जरूरत नहीं है, आप ऐसे पर करोगे तो अभी चलेगा, okay? ये तो just आपको check कर verify करा रहा हूँ, right? Let's go to the next sum. Next sum, 0.2x plus 0.3y is equal to 1.3. 0.4x plus 0.5y is equal to 2.3. इसे हम दूसरे तरीके से भी लिख सकते हैं, आपको बताना हो. देखिए 0.2x plus 0.3y is equal to 1.3, इसका डेसिमल निकाल दो. क्या हो जाएगा ये? 2x plus 3y is equal to 13. इक्वेशन नंबर 1 हो गया, राइट. अब वैसे ही सिमिलरली 4x plus 5y is equal to 23, equation number 2, done, right? तो आप इसको solve भी करके कर सकते हैं, right? तो कोई tension करने की बात नहीं है. अच्छा अभी देखिए, यहाँ पे कोई भी ले लेते हैं, ऊपर वाला ही ले लेते हैं. 2x is equal to 13 minus 3y, x is equal to 13 minus 3y upon 2, this is x का, right? Substituting this value, this value in equation 2, right? Let us see. 4, x kita hai? 13 minus 3y upon 2 minus plus 5y is equal to 23. Dekho, 2 1s are 2, 2 2s are 4. Ab 2 se multiply kar lete hai, right? To 13 2s are 26, 6y, 5y is equal to 23, right? अब ये देखिए, 26 minus 6y plus 5y क्या आएगा? Minus y is equal to 23 minus 26, minus y is equal to minus 3. Therefore y is equal to, y is equal to क्या आएगा? Plus 3. मिल गया आपको एक solution. अब y is equal to 3 को value, right? Putting this value. इन कहाँ डर रहा है? यहाँ पे x is equal to 13 minus 3 upon 2, 13 minus 9 upon 2, right? तो x equal to क्या होगा? 4 upon 2, x is equal to 2. ये आपका एक solution, ये आपका solution, right? x equal to 2 and y is equal to 3. I hope you understood, okay? शांति से करना, आराम से हो जाएगा सब. Let's go to the next sum. Now, fifth number sum, right? Root 2x plus root 3y is equal to 0, root 3x minus root 8y is equal to 0. Chalo, root 3x, root y, 8y is equal to 0. Root 3x is equal to root 8y. Plus ho jayega? Okay. So, x is equal to 8 upon 3y, right? Niche chala jayega. So, root 3 or root 8 hai, to root 8 upon y. Ab, substituting this value. This value in equation 1, right? So x is equal to क्या करना है? Root 2, यहाँ पे है root 8 upon root 3, और ये y plus root 3y, right? Is equal to 0 है.
पहले तो देखो रूट टू और रूट एट क्या हो जाएगा, रूट 16 अपॉन रूट थ्री का एलसीएम ले लेते हैं, तो ये 3y अपॉन रूट थ्री इज इक्वल टू जीरो, ये रूट थ्री जीरो में चला जाएगा, राइट। तो ये क्या आ जाएगा सर, रूट 16 का 4 और ये हो जाएगा 4 रूट 16 का y और ये हो जाएगा 3y इज इक्वल टू जीरो, 7y इज इक्वल टू जीरो, कोई फर्क पड़ने वाला है? नो, देयरफॉर y इज इक्वल टू जीरो, राइट। ये इसका वैल्यू डालिए हम किसी और में, राइट, पुटिंग दिस वैल्यू इन इक्वेशन कौन सा, ये x इज इक्वल टू रूट एट अपॉन रूट थ्री इंटू वाई। अब y जीरो है तो क्या हो जाएगा, मल्टीप्लीकेशन जीरो होगा, तो देयरफॉर यहां पे जीरो डाल दीजिए, राइट, देयरफॉर x इक्वल टू जीरो, ये भी जीरो आ गया, दोनों जीरो आ गए, राइट। तो दिस इज योर सॉल्यूशन, ओके, लेट्स गो टू द नेक्स्ट सम। अब ये इसका पहले एलसीएम सॉल्व करते हैं, चलो, राइट, 3x अपॉन 2 माइनस 5y अपॉन 3 इज इक्वल टू माइनस 2, 6 एलसीएम होगा तो 9x माइनस 10y, ये 6 सामने चला था तो माइनस 12, इक्वेशन नंबर 1, राइट। सिमिलरली यहाँ पे लिखे, सिमिलरली ये वाला भी यहीं से सॉल्व कर दीजिए, 2 इधर चला जाएगा, 3 इधर चला जाएगा, राइट, और 6 सामने जाएगा, तो दिस विल गिव 2x प्लस 3y, 6 ये आएगा तो 6 6 कट हो जाएगा, तो ये बन जाएगा 13, इक्वेशन नंबर 2। देखिए अब इजी हो गया कि नहीं, इस तरह हमको सॉल्व करते जाना है, राइट। चलो अब ये किस में, सेकेंड वाला ही ले लेते हैं, 2x इज इक्वल टू 13 माइनस 3y, x इज इक्वल टू 13 माइनस 3y अपॉन 2, ये हमको सब्स्टिट्यूट करना है, सब्स्टिट्यूटिंग x वैल्यू इन इक्वेशन 1, ओके, चलो तो ये क्या करेंगे, इक्वेशन 1 कौन सा, ये दिया, ओके, 9x, तो 9x कितना है, 13 माइनस 3y अपॉन 2, राइट, ओके, आप माइनस 10y इज इक्वल टू माइनस 12, आराम से करना है, राइट, 2 से तो कुछ होगा नहीं, तो 2 का एलसीएम ले लीजिए, 13 9 का कितना है 117, राइट, ओके, माइनस 9 3 का 27y, 2 10 का 20y और 2 12 का 20 माइनस 24, आराम से करना है, माइनस 27 माइनस 20 47y माइनस 24 117, तो माइनस 47y इज इक्वल टू 7 4 11 1 3 4 4 1 माइनस 141 इज इक्वल टू माइनस 141 माइनस 47 कट हो गया। अब ये कब आएगा बताइए, 47 पे 1 ये कब आएगा, तो ये देखिए इसको कैसे करेंगे हम लोग, 47 3 3 4 12 14 हो गया। क्या करना है आपको बताता हूँ, ये 7 है, पहला नंबर कौन सा है, 7 है, 7 से कौन सा मल्टीपल ऐसा आएगा कि उसका यूनिट डिजिट 1 आएगा, तो 3 का मल्टीपल, 3 7 का 21, तो तुरंत आ जाएगा, राइट। तो इसलिए आपको ऐसा ट्राई करना है, तो दैट इज y इज इक्वल टू 3, x इक्वल टू क्या आया था, नहीं, पुटिंग दिस वैल्यू इन किधर डालना है, इधर x इज इक्वल टू 13 माइनस 3 अपॉन 2, दैट इज 13 माइनस 9 अपॉन 2, 4 अपॉन 2, राइट, दैट इज 2 टू द 4, तो x इक्वल टू कितना आया, x इज इक्वल टू 2, y इज इक्वल टू 3 और x इक्वल टू 2, ओके, अंडरस्टूड ऑल ऑफ देम, आराम से करेंगे तो सब कुछ सॉल्व हो रहा है, बस कोई टेंशन करना नहीं है, टेंशन करोगे पैनिक करोगे तो आप क्या हो जाएगा, कहीं गलती हो जाएगा, राइट, आराम से करो, राइट, और प्रैक्टिस जितना करोगे उतना आपका सम मस्त आ जाएगा, सब आंसर बराबर आएगा, ओके, लेट्स डू दी क्वेश्चन नंबर 2, ओके स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, सॉल्व 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 11 एंड 2x माइनस 4y इज इक्वल टू माइनस 24 एंड हेंस फाइंड द वैल्यू ऑफ m फॉर विच y इज इक्वल टू mx प्लस 3। पहले तो ये दो इक्वेशन लिख लेते हैं,
इक्वेशन वन, इक्वेशन टू, राइट। माइनस वाला पहले ले लेते हैं, राइट। तो माइनस फोर वाई को क्या करेंगे, टू एक्स इज इक्वल टू माइनस ट्वेंटी फोर प्लस फोर वाई। एक्स इज इक्वल टू क्या आएगा सर, माइनस ट्वेंटी फोर प्लस फोर वाई अपॉन टू, टू कॉमन ले लो। एक्स इक्वल टू टू ट्वेल्व जा माइनस ट्वेल्व, टू टू जा आ गया, एक्स इक्वल टू माइनस ट्वेल्व प्लस टू वाई। अब ये वाला है हम लोग सब्सटीट्यूट करेंगे, सब्सटीट्यूटिंग द वैल्यू ऑफ एक्स इन इक्वेशन वन, राइट। चलो टू एक्स कितना है, माइनस ट्वेल्व प्लस टू वाई माइनस सॉरी प्लस थ्री वाई इज इक्वल टू इलेवन, राइट। मल्टीप्लाई कर दीजिए, माइनस ट्वेंटी फोर प्लस फोर वाई प्लस थ्री वाई इज इक्वल टू इलेवन, ओके। फोर वाई प्लस थ्री वाई कितना हो जाएगा, सेवन वाई, और इलेवन प्लस ट्वेंटी फोर कितना हो जाएगा, सेवन वाई इज इक्वल टू थर्टी फाइव, वाई इज इक्वल टू फाइव, मिल गया। पुटिंग द वैल्यू ऑफ वाई इन किस में रखना है, एक्स इक्वल टू प्लस टू वाई मतलब फाइव आएगा, माइनस ट्वेल्व प्लस टेन, एक्स इक्वल टू माइनस टू, राइट। एक्स इक्वल टू माइनस टू, हमारा ये दो वैल्यू मिल गया। अब हमको क्या करना है, इसमें वैल्यू पुट करना है, राइट। पुटिंग द वैल्यू वैल्यू ऑफ एक्स एंड वाई इन वाई इज इक्वल टू एम एक्स प्लस थ्री। चलो वाई कितना है पहले तो ये देख लो, वाई है फाइव एम माइनस टू प्लस थ्री, सारे नंबर सॉल्व हो गया खाली एम का रहेगा, तो टू एम इज इक्वल टू थ्री माइनस फाइव, राइट। देखो ये मैंने इस बाजू लेके और फाइव को उस बाजू लेके गया, देयरफॉर क्या आएगा, टू एम इज इक्वल टू माइनस टू, एम इज इक्वल टू माइनस टू अपॉन टू, एम इज इक्वल टू माइनस वन, दिस इज आवर आंसर। देयरफॉर एम का वैल्यू कितना है, माइनस वन, और इस तरह आपको सॉल्व करना है, ओके। आई होप यू अंडरस्टूड क्वेश्चन नंबर टू, लेट्स गो टू क्वेश्चन नंबर थ्री। क्वेश्चन नंबर थ्री, फॉर्म द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस ऑफ द फॉलोइंग सम्स एंड फाइंड देयर सॉल्यूशन बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड। मतलब टोटल सिक्स सम्स है, इसमें पहला दो अपने ट्राई करते हैं यहां, अगर जगह हो जाए तो, राइट। द डिफरेंस बिटवीन टू नंबर्स इज 26। पहले तो क्या लिखना पड़ेगा, लेट द टू नंबर्स आर एक्स एंड वाई बिकॉज वी आर स्टडिंग अबाउट टू वेरिएबल्स, राइट। तो ये हो गया, तो डिफरेंस का मतलब क्या है सर, एक्स माइनस वाई इज इक्वल टू 26, देन इक्वेशन नंबर वन, एंड एंड वन नंबर इज थ्री टाइम्स द अदर। अब इसमें देखिए एक्स माइनस वाई है तो एक्स इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, थ्री वाई हो जाएगा, राइट। तो एक्स इज इक्वल टू थ्री वाई, आपको इक्वेशन नंबर टू अपने आप सब्स्टिट्यूशन मेथड वाला आया है, बस तो डाल दीजिए सब्स्टिट्यूट एक्स इज इक्वल टू थ्री वाई इन इक्वेशन वन, बस आ जाएगा, दैट इज थ्री वाई माइनस वाई इज इक्वल टू 26, टू वाई इज इक्वल टू 26, वाई इज इक्वल टू 13, एक आ गया। अब वैल्यू डाल दो, देयरफॉर पुटिंग द वैल्यू ऑफ वाई इन एक्स इज इक्वल टू थ्री वाई, राइट। तो एक्स इक्वल टू क्या हो गया, थ्री इंटू 13, तो एक्स इज इक्वल टू 39, देख लीजिए 39 में से 13 जाएगा तो अपने आप 26, 39 माइनस 13 26, राइट। दिस वे यू हैव टू प्रूव, तो इजी था बहुत। डिफरेंस याद रखना, एक्सीड्स डिफरेंट मोर, राइट, ये सारा वर्ड्स आपको याद रखना है स्टेटमेंट सब में, ओके। लेट्स सी द नेक्स्ट क्वेश्चन, द लार्जर ऑफ टू सप्लीमेंट्री एंगल्स। अच्छा, सप्लीमेंट्री एंगल कॉम्प्लीमेंट्री एंगल, सप्लीमेंट्री एंगल कितना टोटल करता है, 180, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स 90, तो आपको ये पता हो गया। तो लेट द टू सप्लीमेंट्री एंगल्स एंगल्स आर एक्स एंड वाई, ये लिख दिया। अब क्या हो जाएगा,
एक्सीड्स द स्मॉलर डिग्री. फर्स्ट ऑफ ऑल ये तो आप ऐसे ही लिख दो, इक्वेशन वन तो अपने आप बन गया. व्हेन दे हैव सेड दैट सप्लीमेंट्री तो पहला वाला इक्वेशन यही बनेगा. सेकंड वाला बोल रहे हैं द लार्जर ऑफ द टू सप्लीमेंट्री एंगल एक्सीड्स द एक्सीड्स मतलब मोर. यहाँ पे क्या था सर, टाइम्स मतलब मल्टीप्लाई आया. यहाँ पे एक्सीड्स मतलब मोर, प्लस माइनस आएगा राइट. वैसे ही देखो डिफरेंस मतलब माइनस आएगा. तो यहाँ पे अभी क्या बोला, एक्सीड्स बोला है. तो अभी क्या करना है, सपोज एक्स इज द बिगर वन तो एक्स इक्वल टू वाई प्लस 18. सो द लार्जर नंबर राइट, द लार्जर एंगल एक्सीड्स द अदर एंगल बाय स्मॉलर एंगल बाय 18. तो y प्लस 18 ये इक्वेशन टू है, लेकिन हमारे लिए वैल्यू हो गया. देयरफॉर सब्स्टिट्यूटिंग x इज इक्वल टू y प्लस 18 इन इक्वेशन वन. चलो y प्लस 18 प्लस y इज इक्वल टू 180. 2y इज इक्वल टू 180 माइनस 80. 2y इज इक्वल टू कितना आएगा, 2 बराबर है यहाँ पे 7, 7 में 7 क्या तो 6, दैट इज 162 राइट, 170 और 180. तो y इज इक्वल टू 162 अपॉन 2, देयरफॉर y इज इक्वल टू 81 राइट. अब वैल्यू डाल दीजिए, देयरफॉर पुटिंग द वैल्यू of y in x equal to y plus 18, x equal to 81 plus 18 कितना आएगा, x equal to ये 9 हो जाएगा और ये भी 9 हो जाएगा. ओके तो ये बन जाएगा x is equal to 99. आपको वेरीफाई करना है तो देख लीजिए 99 plus 81 180 सप्लीमेंट्री एंगल्स. ओके आई होप वे प्रूव, तो आई होप यू अंडरस्टूड ऑल्सो. ओके शांति से 2 times 3 times प्रैक्टिस करो, आपको हो जाएगा आराम से राइट. लेट्स गो टू द नेक्स्ट सम. ओके स्टूडेंट्स नाउ क्वेश्चन नंबर 3 राइट. द कोच ऑफ ए क्रिकेट टीम बाय 7 bats and 6 balls फॉर ₹3,800. शी बाय सब 3 bats and 5 balls फॉर ₹1,750. फाइंड द कॉस्ट ऑफ ईच बैट एंड ईच बॉल राइट. नाउ ईच बैट एंड ईच बॉल बोला है ना, तो लेट लेट द cost of one bat is x rupees and the cost of one ball is y rupees right. Therefore cost of kitna bat hai pehle 7 bats kitna hoga 7x, cost of 6 balls kitna hoga 6y. Therefore, 7x plus 6y is equal to 3,800. Equation number 1. Okay, so similarly, 3 bats and 5 ball kya ho jayega? 3x plus 5y is equal to 1750. Equation number 2. Substitution method se karna hai. Koi bhi equation le lo. Second wala hi le lete hain. Here, 3x is equal to 1750 minus 5y. X is equal to 1750 minus 5y upon 3. Right? Yeah. Putting this, substituting this value. Value of x in equation. Kis mein dalna hai? 1. Right? So x 7 है ना, तो लिखे 1750 माइनस 5y अपॉन 3 प्लस 6y इज इक्वल टू 3800. आराम से करना है, कोई जल्दी नहीं है राइट. एलसीएम 3 है, दोनों को मल्टीप्लाई कर दो या मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं है. तो क्या हो जाएगा, 7075 35, 3 77 49, 52 5 7 1 7 12 राइट. माइनस 35y प्लस 6y नहीं, क्या आएगा, 3 6 18 18y. एलसीएम लिया ना, और ये 3 को भी यहाँ ले लो, 3 0 0 3 8 24 2 3 3 9 11. आई होप यू अंडरस्टैंड. याद रखना आप, इसके नीचे 1 है तो एलसीएम क्या होगा, 3 है,
तो ये 3 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, फिर क्रॉस मल्टीप्लाई में इधर, तो आप डायरेक्ट ये मल्टीप्लाई करना प्रैक्टिस कर सकते हैं। ओके, तो ये हो गया। आप 35y और 18y प्लस माइनस कर दीजिए और इसे उस बाजू भेजिए, कितना आएगा 17y माइनस 17y बिगर नंबर साइन इज इक्वल टू, चलो क्या आएगा यहाँ पे देखिए तो जरा, 0 फिर 5 फिर 2, मतलब यहाँ पे 8 हो जाएगा क्योंकि 12 है, ये 8 हो जाएगा, यहाँ पे कितना है 11, तो 850 मतलब माइनस 850, राइट। तो ये y इज इक्वल टू माइनस 850 अपॉन माइनस 17, कट हो गया। ये कितना आएगा बताओ, 5 7 35 3, राइट, 17 फाइजा, दैट फॉर y इज इक्वल टू 50। ओके, पुटिंग दिस वैल्यू, वैल्यू इन किस में, x इक्वल टू 1750 माइनस 5 और ये 50 डाल दो और अपॉन क्या आएगा 3। चलो लेट्स सॉल्व, 1750 माइनस 5 5 25, मतलब 250 अपॉन 3, इसका क्या आएगा आंसर, 1750 में से 250 क्या, तो 1500 अपॉन 3, राइट, दैट इज 3 5 दैट इज 500। ओके, तो ये किसका है, एक्स इज इक्वल टू 500, मतलब हमको अभी लिखना है, क्या लिखना है, क्या लिया था हम लोग ने, बैट, राइट, देयर फॉर द कॉस्ट ऑफ वन बैट इज 500। ओके, द कॉस्ट ऑफ वन बॉल, अब एक्स नहीं लिखोगे तो चलेगा, रुपीज 500, द कॉस्ट ऑफ वन बॉल इज क्या आएगा 50। ओके, दिस इज द थिंग, आई होप यू गॉट द सम, राइट। तो आराम से करो आप, और ये इस तरह सॉल्व करना है, राइट, लेट्स गो टू द नेक्स्ट सम। ओके स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 4, द कॉस्ट चार्जेस इन अ सिटी कंसिस्ट ऑफ फिक्स्ड चार्ज टुगेदर विद द चार्ज फॉर द डिस्टेंस कवर्ड, बरोबर, फिक्स्ड चार्ज भले कितना भी किलोमीटर हो इतना चार्ज तो फिक्स होगा, राइट, दैट इज कॉल्ड फिक्स्ड चार्ज, और प्लस डिस्टेंस पर किलोमीटर इतना, राइट, तो डिस्टेंस कवर्ड, ये दो चीज फिक्स होता है। तो लेट द फिक्स्ड चार्जेस एक्स, राइट, एंड द चार्ज फॉर द डिस्टेंस, चार्ज फॉर द डिस्टेंस कवर्ड इज y रुपीस, राइट, डन। तो पहला वाला इक्वेशन वैसा बोलते हैं, फॉर अ डिस्टेंस ऑफ 10 किलोमीटर, मतलब 10y हुआ इज 105, तो पहला इक्वेशन बनेगा x प्लस 10y इज इक्वल टू 105, इक्वेशन नंबर 2। और दूसरा बोल रहे हैं फॉर द जर्नी ऑफ 15 किलोमीटर, तो x प्लस 15y इज इक्वल टू 155, इक्वेशन नंबर 2। बस सब्स्टिट्यूशन मेथड सेकेंड वाला ही ले लेते, चलो x इज इक्वल टू 155 माइनस 15y, राइट, इसको बॉक्स बना दो, सब्स्टिट्यूटिंग द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन 1, चलो 155 माइनस 15y प्लस 10y इज इक्वल टू 105, माइनस 15y प्लस 10y क्या हो जाएगा माइनस 5y, 105 155, राइट, ये मिलेगा हमको माइनस 5y इज इक्वल टू 155, मतलब माइनस 50, तो y इज इक्वल टू माइनस 50 अपॉन माइनस 5, y इज इक्वल टू 10, पर किलोमीटर कितना चार्ज करते हैं 10 रुपीस, पुटिंग दिस वैल्यू इन x इज इक्वल टू 155 माइनस 50 10, राइट सर, 155, ये फिक्स चार्ज, राइट, देयरफॉर फिक्स चार्ज
इज इक्वल टू 5 rupees और चार्ज फॉर डिस्टेंस, डिस्टेंस इज इक्वल टू 10 rupees. दिस इज द सॉल्यूशन. ओके, आई होप यू गॉट इट. राइट, लेट्स गो टू द नेक्स्ट सम. अ फ्रैक्शन बिकम्स 9/11 इफ 2 इज एडेड टू बोथ द न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर, and if 3 is added to both the numerator and denominator, it becomes 5/6. Now, let the numerator is x and the denominator is y. Therefore, the required fraction is x upon y. न्यूमरेटर ऊपर है और डिनोमिनेटर, राइट. ये हमारा तीन लाइन फिक्स हो गया. अब वैल्यू एड करते हैं. 2 इज एडेड, राइट. 2 इज एडेड टू न्यूमरेटर तो क्या हो जाएगा, x प्लस 2. 2 इज एडेड टू डिनोमिनेटर तो हो जाएगा y प्लस 2. देयरफॉर x प्लस 2 अपॉन y प्लस 2 इज इक्वल टू बन जाता है 9/11. क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, 11x + 2 9y + 2, 11x + 22 9y + 18, 11x - 9y 18 - 22, 11x - 9y = -4. इक्वेशन नंबर 1. आई होप यू अंडरस्टूड. हमको अभी इक्वेशन फॉर्म करना है, राइट. अब वैसे ही सेकेंड वाला, if when 3 is added to both numerator and denominator, right, so kya ho jayega, x + 3 y + 3 = 5/6. Isko bhi cross multiply kar do, 6x + 18 5y + 15, 6x - 5y = 15 - 18. तो क्या हो जाएगा, 6x = -3, राइट. इक्वेशन नंबर 2. अब हमको सब्स्टिट्यूशन मेथड करना है. चलो इक्वेशन नंबर 2 को ही ले लेते हैं. यार 6x = -3 + 5y, देयरफॉर x = -3 + 5y / 6. ओके, ये पुटिंग दिस वैल्यू, सब्स्टिट्यूटिंग करके वर्ड यूज करो. Substituting this value of x in equation 1. का equation 1 ये रहा. तो 11 आराम से करना, -3 + 5y / 6 -9y = -4. ये मैंने अभी आपको सिखाया था. 6 denominator में है मतलब LCM हुआ. यहाँ पे कुछ नहीं है, multiply कर दो 6 से, राइट. और यहां फ्री हो जाएगा. तो ये बन जाएगा, ये क्या बन जाएगा, 11 माइनस है -33, राइट, और +55, और ये 9 6 -54y, और 9 6 4 -24. ओके, राइट, अंडरस्टूड. 6 चला गया सामने. अब 55 में से 54 गया तो y हो गया प्लस, और -24 + 33 क्या आएगा सर, 24 और 33 9, +9, तो ये आ गया आपका y का वैल्यू. ओके, पुटिंग दिस वैल्यू इन किस में, ये यहां x = -3 9/6, -3 5 9 45/6 -3 plus 45 क्या हो जाएगा, 42/6, x = 7, राइट. देयरफॉर द रिक्वायर्ड फ्रैक्शन इज, यहां पे लिखने का ना, x/y, तो मतलब 7/9. ओके, दिस इज योर आंसर. आई होप यू अंडरस्टूड, राइट. प्लीज डू इट 2 times. ओके, चलो लेट्स गो टू द नेक्स्ट सम. क्वेश्चन नंबर 6. 5 years hence, the age of Jacob will be 3 times that of his son.
नाउ वन थिंग आई वॉन्ट टू जस्ट टेल स्टूडेंट्स लोग को ज़्यादातर स्टूडेंट्स को कन्फ्यूज होता है हैंस राइट ये सारे वर्ड्स जो है तो इसका मतलब का राइट यहाँ पे देखिए अगर आपको यह ऐसे कोई वर्ड्स कन्फ्यूज है तो आप ये देखिए विल वॉस विल फ्यूचर टेंस वॉस पास्ट टेंस समझिए आपको तो ये हो जाएगा आगे का ये हो जाएगा ऑलरेडी हो गया है तो ये यहां से भी आपको आइडिया आ जाएगा तो लेट द प्रेजेंट एज ऑफ जैकब इज एक्स ईयर्स राइट ये पहला लाइन तो लिखना ही है एंड द प्रेजेंट एज ऑफ सन इज वाई ईयर्स राइट अब पढ़ते हैं राइट फाइव ईयर्स हैंस तो यहां लिखिए फाइव ईयर्स हैंस हैंस राइट जैकब का एज कितना होगा जैकब एज इज इक्वल टू एक्स प्लस फाइव ओके और सन का एज कितना होगा वाई प्लस फाइव अब वो बोल रहे हैं कि इट इज थ्री टाइम्स तो दैट इज एक्स प्लस फाइव इज इक्वल टू थ्री टाइम वाई प्लस फाइव इसको सॉल्व कर दो इक्वेशन नंबर वन बना दिया राइट वैसे ही दूसरा देखिए फाइव इयर्स अगो यहां पे लिख दीजिए फाइव इयर्स अगो जैकब एज कितना होगा जैकब एज इज इक्वल टू एक्स माइनस फाइव सन एज वाई माइनस फाइव राइट अब आगे पढ़ो जैकब एज वॉज सेवन टाइम्स तो राइट एक्स माइनस फाइव इज इक्वल टू सेवन टाइम्स वाई माइनस फाइव ओके चलो ये भी सॉल्व करो x माइनस फाइव सेवन वाई थर्टी फाइव एक्स माइनस सेवन वाई इज इक्वल टू माइनस थर्टी फाइव प्लस फाइव एक्स माइनस सेवन वाई इज इक्वल टू माइनस थर्टी इक्वेशन नंबर टू अब सब्स्टिट्यूशन मेथड करना है ये वाला माइनस में है सॉल्व कर देते हैं देयरफॉर x माइनस सेवन वाई इज इक्वल टू माइनस थर्टी एक्स इज इक्वल टू माइनस थर्टी प्लस सेवन वाई राइट सब्स्टिट्यूटिंग द वैल्यू ऑफ एक्स इन इक्वेशन वन तो एरिया माइनस थर्टी प्लस सेवन वाई और यहाँ पे बाल दें माइनस थ्री वाई ऑलरेडी है माइनस थ्री वाई इज इक्वल टू टेन ओके चलो माइनस थर्टी इस बार चला जाएगा प्लस सेवन वाई है प्लस सेवन वाई माइनस थ्री वाई क्या हो जाएगा प्लस फोर वाई टेन प्लस थर्टी फोर वाई इज इक्वल टू फोर्टी वाई इज इक्वल टू टेन सन का एज मिल गया टेन ईयर्स तो सन का एज टेन ईयर्स होगा तो पापा का एज कैसा होगा कहाँ पुट करेंगे हम लोग यहाँ पे ही पुट करते हैं राइट चलो पुटिंग दिस वैल्यू इन एक्स इज इक्वल टू माइनस थर्टी प्लस सेवन वाई एक्स इज इक्वल टू माइनस थर्टी प्लस सेवन इंटू टेन एक्स इक्वल टू माइनस थर्टी प्लस सेवेंटी एक्स इक्वल टू फोर्टी राइट देयरफॉर जैकब्स प्रेजेंट एज जैकब्स प्रेजेंट एज इज इक्वल टू फोर्टी इयर्स और सन्स प्रेजेंट एज इज इक्वल टू टेन इयर्स ओके दैट्स ऑल वी हैव सॉल्व इट राइट तो दिस वे स्टूडेंट्स वी हैव कंप्लीटेड एक्सरसाइज 3.3 आई होप यू ऑल अंडरस्टूड राइट ये स्टेटमेंट सम है प्रैक्टिस करो अच्छी तरह वीडियो को पॉज करके खुद करने की कोशिश करो एक्सरसाइज सम्स थ्री टाइम्स वाला मंत्र याद रखो ओके एंड कीप प्रैक्टिसिंग राइट यू विल स्कोर राइट तो प्लीज सब्सक्राइब दिस शेयर दिस सॉरी प्लीज शेयर दिस वीडियो और सब्सक्राइब अवर चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन सो दैट यू गेट द नोटिफिकेशन और अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दो और शेयर इसलिए करो कि बहुत स्टूडेंट्स हैं जिनको ये हेल्पफुल रहेगा ये वीडियो सो प्लीज़ शेयर टू नंबर ऑफ स्टूडेंट्स ओके और ग्रुप्स चलो थैंक यू टिल दी नेक्स्ट वीडियो बाय